ख्वाबों की रात आई। ये गीत रफी साहब का आखिरी गीत था। जिस फिल्म के लिए रफी साहब ने गीत गाया वो फिल्म ही अभिशप्त थी। इस फिल्म को बनाने की कई कोशिशें हुई लेकिन ये फिल्में किसी ना किसी कारण से बंद हो गई। रफी साहब को शायद एहसास हो गया था कि अब उनके लिए दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। महफिल में नगमों की बारात आई। इस गाने के बाद मोहम्मद रफी भावुक हो गए थे और उन्होंने नौशाद साहब को कहा था कि अब अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो कोई गम नहीं, जन्नत मेरे हाथ आई। इस गाने के बाद मोहम्मद रफी ने कोई और गीत नहीं गाया और अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर जन्नत चले गए। दुल्हन बन के पहलू में हयात आई। नमस्कार दोस्तों, रफी साहब को समर्पित ये पेशकश आपके सामने हाजिर है। रफी साहब के आखिरी गाने और इस फिल्म से जुड़ा ये बेहद दुखद संयोग जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। फिल्मी संगीत हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है और रफी साहब के गीत हमारे जीवन को हर एक मोड़ पर प्रभावित करते हैं। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। जीवन में चाहे जो परिस्थिति हो उसके लिए रफी साहब का कोई न कोई गीत जरूर है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाथों में तेरे मेरा हाथ, जरा सामने तो आओ चलिए। साल 1980 में अली सरदार जाफरी एक फिल्म बना रहे थे, हब्बा खातून। फिल्म में नौशाद साहब का संगीत था। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। रात के खावाए वो। इस गीत को गाने के बाद शायद मोहम्मद रफी को ये एहसास हो गया था कि इस दुनिया में वो अपने दिन पूरे कर चुके हैं। काम चरागों का जब चांद निकल। वो इसकी रिकॉर्डिंग के बाद भावुक हो गए थे और उन्होंने नौशाद के गले लगकर कहा था कि एक मुद्दत बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला, अब जी चाहता है कि इस भरी पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। वो ख्वाबों की रात आई। रफी साहब साधु और सूफी तबीयत के शख्स थे। ना उन्हें माया नगरी की चकाचौंध से मतलब था और ना रुपए पैसों का कोई लालच। वो फिल्मी दुनिया का बेहद अहम चेहरा होने के बावजूद संगीत के सिवाय फिल्मों से कोई लगाव नहीं रखते थे। वो किसी के लिए एक रुपए में भी गीत गा देते तो किसी से एक रुपया भी नहीं लेते। कोई फिल्मकार खुश होकर ज्यादा फीस देने की कोशिश करता तो उसे भी लौटा देते। वो अपनी फीस को लेकर किसी से नहीं उलझे। जब नौशाद साहब ने इस गीत के बाद रफी जी को भुगतान करने का प्रयास किया तो उन्होंने नौशाद साहब को रोक दिया और उनके बार बार कहने के बावजूद फीस नहीं ली। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हब्बा खातून फिल्म के लिए रफी साहब का गाना गाने का फैसला ही गलत था। ये वो तथाकथित मनहूस फिल्म है जिसे 3 बार बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश हुई लेकिन हर बार किसी ना किसी बड़े हादसे के चलते ये फिल्म अधूरी रह गई। हब्बा खातून कश्मीर की सूफी महिला कवि थी। वो 1554 में एक गरीब किसान के घर पैदा हुई थी और उनके बचपन का नाम जूनी था। हब्बा बहुत खूबसूरत थी और जूनी नाम उनकी चांद जैसी सूरत पर रखा गया था। हब्बा का पहला निकाह एक किसान से हुआ जो बहुत जालिम था और उसकी सास भी क्रूर थी, इसलिए हब्बा ने उससे तलाक ले लिया। एक दिन जब हब्बा केसर के खेतों में काम करते हुए कुछ गुनगुना रही थी, इस आवाज को वहां से गुजर रहे कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक ने सुना और वो हब्बा के दीवाने हो गए। दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हब्बा कश्मीर की मलिका बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी शादी के कुछ सालों बाद अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और यूसुफ शाह चक को कश्मीर से निकाल बाहर कर दिया। हब्बा खातून अकेली रह गई तो उन्होंने झेलम नदी के किनारे झोपड़ी में ठिकाना बनाया।
1609 में अपनी मौत तक उन्होंने प्यार और जुदाई पर बेहतरीन गीत लिखे जो कश्मीरियों के दिलों में बस गए। एक साल बीतने के बावजूद उनके नगमे आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजते हैं। हब्बा खातून की लोकप्रियता, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, उनके दुख दर्द और कश्मीर की खूबसूरती, ये कहानी किसी भी फिल्मकार को प्रेरित करने के लिए काफी है। इसका कैनवास भी बहुत बड़ा है, इसलिए इस कहानी को बहुत भव्य पैमाने पर फिल्म में दिखाने के लिए कम से कम 3 बेहद गंभीर प्रयास हुए। लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ जाने कौन सी पनौती जुड़ी है कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मदर इंडिया जैसी कल्ट फिल्म बनाने वाले ग्रेट फिल्मकार महबूब खान ने 1962 में हब्बा खातून पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसमें हब्बा के लिए सायरा बानो को चुना गया और यूसुफ शाह चक के रोल के लिए दिलीप कुमार को। लेकिन 1964 में महबूब खान की मौत हो गई और फिल्म रुक गई। इसके बाद 1980 में अली सरदार जाफरी ने कोशिश की। उन्होंने हब्बा के लिए जीनत अमान और यूसुफ के रोल के लिए संजय खान को कास्ट किया। संगीत देने की जिम्मेदारी नौशाद को सौंपी गई, जिन्होंने अली सरदार जाफरी की इस गजल को मोहम्मद रफी से गवाया। जिस रात के ख्वाब आए। नौशाद ने बताया था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब बहुत रोए थे। पहली बार जब उन्होंने गजल के अशआर सुने तब, और दूसरी बार इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। पैगाम बहारों का फिर मेरे नाम। ये उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने इस गाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली, लेकिन ये गाना उनका आखिरी गाना साबित हुआ। इसी तरह के हादसों के कारण ये फिल्म नहीं बनी। इसके बाद हब्बा खातून पर तीसरी बार भव्य फिल्म बनाने की कोशिश उमराव जान बनाने वाले मुजफ्फर अली ने की। वो हब्बा के मूल नाम जूनी टाइटल से फिल्म बना रहे थे, जिसमें डिंपल कापड़िया और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। ये मुजफ्फर अली का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके 2 वर्जन बनने थे, पहला भारतीय दर्शकों के लिए और दूसरा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। मुजफ्फर अली की हिट फिल्म उमराव जान के गीतकार शहरयार और संगीतकार खय्याम इस फिल्म में भी रखे गए। फिल्म जूनी का कैनवास बड़ा था और इसके लिए मुजफ्फर अली ने दुनिया भर से बेहतरीन लोगों की टीम जुटाई थी। हब्बा खातून पर बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म में संगीत देने के लिए उन्होंने ऑस्कर विजेता जापानी संगीतकार रियुची साकामोटो को चुना था, जो हॉलीवुड मूवी द लास्ट एम्परर और द रेवेनेंट में संगीत दे चुके थे। इसकी पटकथा मशहूर लेखक असगर वजाहत और अमेरिका के मशहूर लेखक जेम्स किलोफ ने मिलकर लिखी थी, जबकि मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर मैरी मैकफेडन को सेट और ड्रेस डिजाइनिंग का काम सौंपा गया था। इसके लिए श्रीनगर के बाहर 2 गांवों के रियल सेट बनाए गए थे। इसमें करीब 1000 जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे थे। इस तामझाम से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हो गया था। जम्मू कश्मीर के तब के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी संसाधन जुटाने में अली की काफी मदद की। इस फिल्म की शूटिंग करीब 5 से 6 साल तक चली, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया। अली ने घाटी के हालात सामान्य होने के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उन्हें भी ये फिल्म डिब्बे में बंद करनी पड़ी। इस तरह ये कोशिश भी अधूरी रह गई। 2015 में एक इंटरव्यू में मुजफ्फर अली ने दावा किया था कि अगर उनकी फिल्म जूनी पूरी तरह से बन जाती तो डिंपल कपाड़िया का इंडस्ट्री में वैसा ही मुकाम होता जैसा मदर इंडिया के बाद नरगिस को हासिल हुआ था। इस तरह एक बार फिर हब्बा खातून पर फिल्म नहीं बनी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज भी इसके बाद शांत हो गई। इस पेशकश में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।